जी साहब जी। बड़ा प्यारा बच्चा है, किसका है, तुम्हारा है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई साहब। मुझे मालूम है तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है? शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा साहब? आजकल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ हो तो सकता है, और ये बच्चा आपसे मिलने आया साहब, मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझसे? बड़े प्यारे बच्चे हो। थैंक यू। आज तुमने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। बचपन में मैं एकदम तुम्हारी तरह दिखता था। हाय, I'm सूरज धनराजगीर। I'm कबीर धनराजगीर। Nice to meet you। मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा ये बता, तेरी माँ का क्या नाम है? पूजा बच्चन। पूजा बच्चन, अच्छा हुआ अमिताभ बच्चन ही बोला। ये बता, तुझे मेरा पता दिया किसने? तू यहाँ आया कैसे? नानी ने मरने से पहले मुझे कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पते पर चले जाना। एक एयर होस्टेस आंटी थी मेरी मम्मी की दोस्त, वो मुझे यहाँ पहुंचा गई। तो चल मेरे साथ, कम ऑन। मिस्टर धनराजगिर, हमने डीएनए और ब्लड वगैरह सब चेक कर लिया। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इसमें कोई शक नहीं कि यह बच्चा आप ही का बेटा है। थैंक यू डॉक्टर। चले डैड। मुझे डैड मत बोलना, समझे? चलो डैड। डैड, मैंने तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर। सॉरी डैड। ये तो बड़ा तेज है यार, अभी तक शादी नहीं हुई और बच्चे संभालने की प्रैक्टिस हो रही है। कौन है ये बच्चा? ये मेरी सजा है। सजा का नाम क्या है? मेरा नाम है कबीर धनराजगीर। बड़ा अच्छा नाम है। क्या बोला? कबीर धनराजगीर, मैं इनका बेटा हूँ। सूरज, ये तेरी कहाँ की किरण है? मुझे खुद को नहीं मालूम है यार। ये सब क्या है? अब ये भी बताना पड़ेगा। आइसक्रीम तो अच्छी थी, डैड भी अच्छे हैं। सैंडी मगर समझ में नहीं आता कि मुझसे डरते क्यों है। मुझे कुमार का टेंशन है यार, और मुझे कबीर और सैंडी की। अरे कबीर और सैंडी को कहाँ रखेंगे? अकेले तो रह नहीं सकते, और घर में हम रख नहीं सकते। जब तक इनका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाए, इनको घर पे रखना पड़ेगा। क्या? हाँ और क्या। अब चुपचाप आता चला। सूरज जी, दादाजी, मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। दादाजी ये नई बीमारी है, आपने काली खांसी सूखी खांसी सुनी होगी, ये कुत्ता खांसी है। खांसने वाले के मुंह से कुत्ते की आवाज निकलती है। बकवास बंद करो, तुम लोगों ने फिर से देर से आना शुरू कर दिया। कहाँ से आ रहे हो? दादाजी हम लोग एक मीटिंग से आ रहे हैं। मीटिंग? एक मीटिंग में फंस गए थे दादाजी। एक फ्रेंच ग्रुप है जो हमारे साथ मिलकर होटल खोलना चाह रहे हैं। कौन सा ग्रुप? French group. French क्या नाम है इस ग्रुप का? कल सुबह आपको रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा ठीक है, जाकर सो जा। जी दादाजी।
अरे अब खड़े खड़े हिल क्या रहे हो? दादाजी, दुनिया में हम आपके बाद ही आए हैं, हर काम आपके बाद ही करेंगे। ये कुत्ता फिर भौंका। कुत्ता नहीं भौंका, महेश खासा। तुम ऐसा करो महेश, गोली खा लो। जी अच्छा, थैंक यू दादाजी। दादाजी हाँ करो। हाँ दादाजी, हम जानते हैं पहले आप पैदा हुए, उसके बाद मेरे पिताजी पैदा हुए, और उसके बाद मैं। सीधे खड़े रहो। जी दादाजी। बड़ी खतरनाक खांसी है महेश को। अबे मरवाएगा क्या? बच गया। कुत्ता इधर इधर। कबीर तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा बिस्तर बन चुका है। और सैंडी तू हिलना नहीं और भौंकना नहीं, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा, सुबह तक कैंडी बन जाएगा। डैड, एक बात पूछूं? तुझे कितनी बार बोला मुझे डैड मत बुलाकर? ओके, नहीं कहूंगा। पूछो, क्या पूछना है? वो बुद्धा जो मिला था, वो आपके दादाजी हैं? क्या तमीज से बात करो। हाँ वो मेरे दादाजी हैं। इसका मतलब वो मेरे दादाजी हैं? अगर तुम मेरे बेटे हुए तो। आपको मुझ पर अब भी शक है? गुड नाइट। गुड नाइट डैड। सॉरी, गुड नाइट सर। अब आप चुपचाप सो जाइए। टैक्सेशन की फाइल्स का क्या हुआ? वो सूरज बाबा के पास है। दादाजी मेरे पास है, आप ऑफिस चलिए, मैं आपको ऑफिस में दिखाता हूँ। ऑफिस? क्या? ये तुम क्या इशारे करते जा रहे हो महेश? जी कुछ नहीं। पर ऑफिस तो आज। ऑफिस और बच्चा? बच्चा? बच्चों जैसी बातें कर। दादाजी आपसे छुपा रहा है, इसके पेट में बहुत तकलीफ है। क्या बात कर रहे हो सूरज, पेट में दर्द है क्या? नहीं दादाजी, बस ऐसे ही कुछ। दवा दूं? आप अपनी दवा अपने पास रखिए। सिंह साहब। यस सर। जरा डॉक्टर अग्रवाल को फोन करिए। जी सर। दादाजी मामूली सा दर्द है, वो पेरिस की पार्टी को मुगलाई खाना खाना था, उनको तो कुछ नहीं हुआ, मेरा पेट खराब हो गया। मेरे ख्याल से बेटा तुम घर पर बैठकर थोड़ा आराम करो, सेहत बहुत जरूरी होती है, काम तो कभी भी होता रहेगा बेटा। दादाजी मैं भी रुक जाता हूँ सूरज की देखभाल के लिए। सिंह साहब जी, ऐसा करिए आप भी रुक जाइए। ओके। दादाजी अगर ये रुक जाएंगे तो आपके साथ जाएगा कौन, आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा बेटा, सिंह साहब का यह रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी देखभाल करेंगे। अच्छा अच्छा बेटा। जी दादाजी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दवाई ठीक से खा लेना, महेश दवाई खिलाना। ओके चलो भाई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कबर्ड में रख देना। चल और ये पूरा नाश्ता खा लेना और खड़े रह के खाना। ओके अरे भौंक भौंक के पूरे मोहल्ले को उठाएगा, कुछ कर यार। चुप हो जा मेरे बाप, तू पूरे शहर को उठा देगा। ए कबीर जरा तो चुप करा। क्या से? तो चुप करा प्लीज, चुप चुप करा। क्वाइट सैंडी, क्वाइट। थैंक यू। अब जरा इसे बिस्तर से नीचे उतार। सैंडी गो डाउन। मेहरबानी भाई, नीचे उतरा। अब बताइए क्या हुक्म है मेरे आका? डैडी मुझे जोर की भूख लगी। मैंने तुझे ठीक है
तू जा इसके लिए कुछ नाश्ता वाश्ता लेके आ, और इस कुत्ते के लिए कुछ बोटी वोटी लेके आ। यस यस, थैंक यू। एक ये क्या है? ये नाश्ता। ओ हाँ, नाश्ता है। लेकिन नाश्ता तो तुम सुबह कर चुके हो ना? मेरा नहीं, सूरज का है। ओ सूरज का है, लेकिन सूरज ने भी सुबह नाश्ता कर लिया है, और मेरे ख्याल से उसके पेट में दर्द भी है, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब पेट में दर्द हो तो कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए ये दादाजी के जमाने का इलाज छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसे। नया ट्रीटमेंट ये है कि पेट में दर्द हो तो इतना खाओ कि दर्द के लिए जगह ना बचे। एक मिनट, ये कटोरे में दूध किस लिए? मुझे खांसी है ना, कुत्ता खांसी। इसका टोटका ये है कि कुत्ते की तरह पियो तो खांसी। ठीक है ठीक है, हट 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 हट।